accord a traditional welcome to Honorable Prime Minister Ji by presenting him a Sonpur Uttariya, an artistic bullock cart made by local artisan, and a handmade cloth painting of Lord Jagannath weaved by the local weavers, Sri P.S. Mishra Ji. And we are also requesting Sri S.K. Kamila, Chief PMG Odisha Circle, Dr. Jaideep Gupta, DRM Sambalpur, Sri Santosh Kumar Mal, Commissioner Kendriya Vidyalaya, Srimati Nandini Bhattacharya, Regional Director ASI, Sri Sanjay Swarup, Director Kankar, and Sri Sudhanshu Shekhar Mishra, Regional Passport Officer Bhubaneswar, to felicitate the other guests. आपण मानकर जोरदार करताली भितरे आमे प्रधानमंत्री जी को स्वागत करूछु। यहाँ के लोकल वीवर्स ने बनाए हैं जगन्नाथ जी की ये हैंडमेड पेंटिंग है। ओडिशारे प्रधानमंत्री सिपाही साजी विकास धारा को जे निरवच्छिन्न भाव आग को ओडिया पुओ माननीय केन्द्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस दक्षता विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय को स्वागत भाषण रखा अनुरोध कर सर। नमस्कार। आज ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत बर्षर लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी को मुशा तरफ विशेष करके पश्चिम ओडिशा तरफ स्वागत जनाऊँ। माननीय प्रधानमंत्री आगमन ओडिशा पाई सुवार्ता नहीं आसी आज पवित्र पुष्प नहीं अवसर रे ये भीम भोई माटी गंगाधर मेहन कर माटी संस्कृति संपन्न माटी जो अंचल रे आज 1500 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प शिक्षा रेल पासपोर्ट सेवा ए भलिया अनेक कल्याणकारी योजनार लोकाभिमुखी योजनार लोकार्पण किंबा कार्य आरंभ आज माननीय प्रधानमंत्री करकमल अनुष्ठित हम तांगे ओडिशार माननीय राज्यपाल केन्द्र सरकार मंत्री राज्य सरकार मंत्री स्थानीय विधायक स्थानीय लोकसभा सदस्य समस्त को मु भारत सरकार तरफ स्वागत जनाऊँ। उत्सव पाई बलांगीर जनसाधारण माननीय प्रधानमंत्री को उत्कंठार सह अपेक्षा करीप शुणापी आज ये पवित्र दिन में प्रधानमंत्री को मुशा तरफ पुनर्बार स्वागत जनाऊँ। कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची कोड़े दिन भितर तृतीय थर करिकी ओडिशा आगमन करिकी अनेक कल्याणकारी प्रकल्पर आरंभ करिकी जो कल्पना प्रधानमंत्री अच्छी देश पाई जे पर्यंत पूर्व भारत भारतर अन्य अंचल भलिया आग को जाईना से पर्यंत नुआ भारतर कल्पना करा जाई परिबनी। नुआ भारत पाई नुआ ओडिशार आवश्यकता अच्छी। नुआ ओडिशा पाई नुआ बलांगीर नुआ कलाहांडी नुआ नुआपड़ा नुआ सोनपुर नुआ बरगढ़ रा आवश्यकता अच्छी। ये परंपरा को आउ थरे एठी आरंभ करने प्रधानमंत्री गरिमामय उपस्थिति को मु स्वागत जनईकी मोर वक्तव्य शेष करुची। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। ओडिशार समृद्ध इतिहास आमको चिरंतन प्रेरणा दिए, से इतिहास सुरक्षा संरक्षण और नवीकरण आम जातीय कर्तव्य। बौद्ध जिल्लार नीलमाधव सिद्धेश्वर मंदिर, पश्चिम सोमनाथ मंदिर समूह, बलांगीर राणीपुर झरियाल प्रसिद्ध ऐतिह समूह और कलाहांडी जिल्लार असुरगढ़ स्थित प्राचीन दुर्गर विकास नवीकरण और संरक्षण कार्य संपर्क में भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्थार एक प्रामाणिक चित्र आसंतु देखिबा। देश को ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। इन विरासतों में से पश्चिम एवं मध्य ओडिशा की प्राचीन कला और संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। आज पश्चिमी और मध्य ओडिशा के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बौद्ध नगर में स्थित पश्चिम सोमनाथ मंदिर समूह एवं गंधराड़ी के नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिर, बोलांगीर में रानीपुर झरियाल स्मारक समूह और कौड़ाहांडी में असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल के विकास कार्य। इन स्थलों के पुनरोद्धार से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। Now request Honorable Prime Minister ji to unveil plaques by pressing the remote to mark the inauguration and renovation and restoration works of Nilamadhav and Siddheshwar temples Bodh, Paschim Somnath temples Bodh, Ranipur Jharial group of monuments Balangir and Asurgad fort of Kalahandi built in 9th and 10th century AD. थैंक यू सर। आम गत 4.5 वर्ष धरी देखिचु एक क्रियाशील उत्साही भारतीय रेलवे को प्रकल्प गतिशील होइछि और द्रुततर होइछि, अधिक अर्थ विनियोग होउछि, पुराणा प्रकल्प संपूर्ण होउछि। वी थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी फॉर फोकसिंग ऑन ईस्ट एंड स्पेशली इन ओडिशा। नाउ ए फिल्म ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ रेलवेज। ओडिशा के समग्र विकास के लिए जरूरी है रेल का विकास। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद पहली बार हुआ है जब ओडिशा में रेल परियोजनाओं का इतनी तेजी से विकास हुआ है और निरंतर हो रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से पश्चिम ओडिशा में खनिज और उद्योगों के विकास होने के साथ यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है झारसुगुड़ा में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, झारसुगुड़ा विजयनगरम और संबलपुर अंगुल रेल लाइन का विद्युतीकरण, बरपाली डुंगरीपाली और बोलांगीर देवगांव रोड रेल लाइन का दोहरीकरण और थेरुवली और सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच पुल नंबर 588 तथा साथ में बोलांगीर बिछुपाली नई रेल लाइन और नई ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन। होगा रेल का विकास, बढ़ेंगे उद्योग, बढ़ेगा रोजगार और इस क्षेत्र के लोग होंगे खुशहाल। पूर्योदय हो रहा है, नए ओडिशा और नए भारत का उदय हो रहा है। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं टू अनवेल प्लाक्स बाय प्रेसिंग द रिमोट टू मार्क इनॉग्रेशन ऑफ बलांगीर बिछुपाली न्यू ट्रेन लाइन बलांगीर रेलवे ब्रिज नंबर 588 बिटवीन थेरुवाली सिंगापुर रोड स्टेशन। वी आल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी टू डेडिकेट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ झारसुगुड़ा विजयनगरम एंड संबलपुर अनुगुल लाइन्स, डबलिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ बरपाली डुंगरीपाली बलांगीर देवगा रोड एंड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क झारसुगुड़ा टू द नेशन। Thank you, sir. Government of India is committed to delivery of high quality education and accessible education to all in Odisha. 52,894 students are enrolled in 60 Kendriya Vidyalayas in Odisha. Since 2014, 6 new Kendriya Vidyalayas have been inaugurated. 4 Kendriya Vidyalayas are at final stages of construction.
टुडे केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ शैल बी इनॉग्रेटेड एंड फाउंडेशन स्टोन शैल बी लेड फॉर अनदर केंद्रीय विद्यालय एट सोनपुर एबे एही प्रकल्प संबंधी प्रामाणिक चित्र। किसी भी क्षेत्र के भविष्य के लिए आवश्यक है शिक्षा का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोदय की सोच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है ओडिशा जैसे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा रायगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। 8 एकड़ जमीन पर बने इस भवन के निर्माण में 12.35 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिनमें 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशालाएं और 2 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस विद्यालय के आरंभ होने के बाद इस क्षेत्र के लगभग 1000 बच्चे प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। साथ ही सोनपुर में एक नए केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। इस विद्यालय के निर्माण में 15 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत आएगी। 10 एकड़ में विकसित हो रहे इस विद्यालय में भी 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशालाएं और 2 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सहित सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। इन विद्यालयों के कारण इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। Now I request Honorable Prime Minister ji to unveil the plaque to mark inauguration of Kendriya Vidyalaya at Raigada by pressing the remote. Honorable Prime Minister ji is also requested to kindly lay the foundation for construction of new Kendriya Vidyalaya at Sonpur. Thank you sir. Shiksha, vrutti, rozgar, parjatan pai ame samast videsh jau. किंतु आमको पासपोर्ट पाइबा पई जीवा को पड़ुथला राज्य राजधानी भुवनेश्वर को बदलिछि से दिन पासपोर्ट सेवा पहुंचिछि घर पाखरे। नाउ फिल्म वन पासपोर्ट सेवा केंद्र जी ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। भूमंडलीकरण के दौर में पूरे विश्व के बाजार हमारे लिए खुले हैं। आज हम कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं और हमारे नौजवान रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग दुनिया के कई देशों में जाकर नौकरी कर भी रहे हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए पासपोर्ट सेवा को बहुत ही सुलभ बना दिया गया है। इसी क्रम में आज जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के 6 शहरों के डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन शहरों में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कंधमाल, बरगढ़ और बलांगीर शामिल है। वर्तमान में ओडिशा के लोगों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर जाना पड़ता है, परंतु डाकघरों में पासपोर्ट सेवा आरंभ होने से लोगों को पासपोर्ट बनवाने में बहुत सुविधा होगी। We request Honorable Prime Minister ji to kindly unveil plaque to mark inauguration of 6 new passport seva kendras of Jagat Singhpur, Kendrapada, Puri, Fulbani, Bargad, Amo Priya Balangir by pressing the remote. Honorable Prime Minister has inaugurated the new train line between Balangir to Bichupali just now. Kintu khali line tiyari hele katha tike adhura rahijibo. Dharana prastut, rasta prastut, jatra pai jatri prastut, ebe rel gadi chaliba avashyak. So we now request Honorable Prime Minister ji to flag up the new train to run on the new railway line between Balangir and Bichupali. Aitihasiko muhurta rail station ne apekha karichi rail gadi aji pratham padarpan karibo mananiya pradhan mantri bartaman pataka dekhai ei rail gadi chala chala ro shubha udghatan karibe bahu dinara swapna puran hebaku jauchi apan mane eti dekhi paruchanti platform ru Balangir station ro drushya रेलगाड़ी प्रस्तुत होइछि हॉर्न सुनचंदे नुआ ट्रेन लाइन रे नुआ रेलगाड़ी रेलगाड़ी गड़िबा आरंभ होइछि आपण मानक करताली भितरे रेलगाड़ी को जीवा पई दियंतु एक शुभ ओंकार
यस्टरडे वाज मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण के साथ उड़ीसा में लोग सपनों की पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आज से प्रयागराज में आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृति के कुंभ शुरू हो रहा है और यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रगति और विकास की इस कुंभ मेले में। इस कुंभ का कर्णधार उद्योगता और विकास पुरुष से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपण मानक करताली भितरे आमे प्रधानमंत्री को संभाषण रखिबा निमंत अनुरोध करूछु। उना रिक्वेस्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी टू एड्रेस ऑल ऑफ अस अमिस योर ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप्स एंड अप्लॉज। ए ताली जारी रहू माननीय प्रधानमंत्री को वर्तमान। भारत माता की, भारत माता की। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान ज्वेल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा सरकार में मंत्री स्नेहन गिनी छुरिया जी, संसद में मेरे साथी श्री किलिकेश नारायण सिंह देव जी और यहाँ पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, नववर्ष में एक बार फिर ओडिशा आने का सौभाग्य मिला है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ आना और विकास के नए प्रकाश से जुड़ना अपने आप में अहम है। त्योहारों के इस पावन अवसर पर आप सभी उड़ीसा वासियों को, देश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, पूर्वी भारत के विकास के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए केंद्र सरकार का अभियान निरंतर जारी है। बीते एक महीने में तीसरी बार मैं आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी है, कनेक्टिविटी से जुड़ी है, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई है और मुझे खुशी है कि आज केंद्रीय विद्यालय सोनेपुर के स्थायी भवन का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो सोनेपुर के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं को लाभ होगा। ओडिशा में केंद्रीय विद्यालयों में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। यहां केंद्रीय विद्यालय की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 2014 के बाद कई नए केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन यहां हो चुका है और कुछ पर काम अंतिम चरण में है। साथियों, शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। ये संसाधन तब अवसरों में बदलते हैं जब कनेक्टिविटी का भी सहारा हो। इसी भावना के तहत ओडिशा में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। आज रेलवे से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। इससे उड़ीसा के भीतर की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, देश के दूसरे राज्यों तक आवाजाही भी आसान होगी। इससे आप लोगों को आने जाने की सुविधा तो होगी ही, किसान भाइयों को अपनी उपज को बड़ी मंडियों तक
या बड़े शहरों तक पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। आने जाने और माल ढुलाई के लिए सुविधा तैयार होने से यहां उद्योगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। जब उद्योग यहां आने लगेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अनेक साधन विकसित होंगे। साथियों, थोड़ी देर पहले बलांगीर से बिछुपली के बीच जो नई रेल लाइन बनी है इसका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ इस पर नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा झारसुगुड़ा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, झारसुगुड़ा बीजी नगराम और संबलपुर अंगुल लाइन के विद्युतीकरण, बाराली डुंगरीपली और बलांगीर देवगांव के चौड़ीकरण और नागावली नदी पर बने पुल के लिए भी आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो करीब करीब हर सेक्टर पर इसका सकारात्मक असर होता है। विशेष तौर पर टूरिज्म के लिए तो सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। ओडिशा तो वैसे ही हर प्रकार के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां जंगल भी है और समंदर का किनारा भी। प्रकृति ने यहां कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं इतिहास और आस्था के तो एक प्रकार से केंद्र में रहा है। साथियों, इसी भावना के तहत बीते चार वर्षों से केंद्र सरकार धरोहरों और आस्था के स्थलों को विकसित करने में जुटी हुई है। ओडिशा के अनेक मंदिरों, पुराने किलों और दूसरे स्थानों का सुंदरीकरण और उनको संवारने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिरों के नवीनीकरण और सुंदरीकरण के काम का आज शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार पश्चिम सोमनाथ मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम पूरा हो चुका है और आज इसका भी लोकार्पण यहां किया गया है। इसके अलावा यहां का जो एक पारंपरिक व्यापारिक रास्ता रहा है, ओडिशा को मध्य भारत से जोड़ता है, उस रास्ते में अनेक ऐतिहासिक स्मारक है। यहां बलांगीर में ही रानीपुर जरियाल जो स्मारकों का समूह है उसको भी संवारा जा रहा है। वहां 64 योगिनी मंदिर हो या फिर लेहरागुड़ी सोमेश्वर रानीगुड़ी या फिर इंद्रलट मंदिर, आस्था और हमारे ऐतिहासिक कौशल का दर्शन देने वाले ये तमाम धरोहरें अपनी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने वाली है। साथियों, एक और स्मारक के नवीनीकरण की आज शुरुआत हुई है, कालाहंडी का असुरागढ़ किला। यह हमारे शौर्य का प्रतीक तो रहा ही है, साथ में एक अहम राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र भी था। ये महाकंटारा को कलिंग से जोड़ता था। अपने इतिहास के इन स्वर्णिम अध्यायों के साथ पुनः जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहां जो मूल सुविधाओं का विकास हुआ है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जो काम किया गया है, उससे यहां के टूरिज्म को गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। साथियों, आज यहां 6 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की शुरुआत भी हुई है। कलांगीर के अलावा जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, फुलवानी और बारगढ़ में
ये नए केंद्र खुलने से अब यहां के लोगों को पासपोर्ट के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज आप सभी के ओडिशा वासियों के जीवन को आसान बनाने वाले इन सभी प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर मैं ओडिशा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको नए वर्ष की पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए सुबह से और हमारे बीच इतने समय पधारे और इतने प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। आपके तालियों के बीच, गड़गड़ाहट के बीच हम प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान का हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं और धन्यवाद देते हैं।